और सूर्य का ग्वालियर और कृष्णा किसी तरह से अभी प्रमाण पत्र के नाम जो उनको देना है बैंक बुक हो गए तो जो भी उनको कार्रवाई करे ऐसे भी क्या है सब इकट्ठा जवाब नहीं हो पाए और वाटर हमें चाहते है की अभी जो प्रक्रिया चल रही है कोर्ट में एलियर होने की बात होगी या जो भी इसके पहले जो कंडीशन हुआ है चल रहा है हमें चाहते हैं कि तब तक के लिए हमारे शरद पटेल जी को ही हम दावत हम बाकी इसके बाद आगे जो भी होगा और सारा कार्यवाही वही से होना है तो उनको भी एक बार मौका दिया जाए नहीं मतलब वहाँ हाईकोर्ट में कुछ नहीं होगा नोटिस होगा कुछ नहीं होगा कल की डेट में हाईकोर्ट में तो नोटिस होगा कुछ नहीं होगा बहुत अच्छा रहेगा ये मेरा सहयोग प्रस्तावित कीजिए
फिर उसके बाद हम बताएंगे छत्तीसगढ़ बहुत छोटा राज्य है, इसको क्रिकेट क्षेत्रीयवाद मत बांटिए। आपका परिचय सर? मेरा युधेश्वर सिंह ठाकुर जी, युधेश्वर सिंह ठाकुर जी, प्रांत अध्यक्ष छत्तीसगढ़ नई कर्मचारी संघ जी। आज आप लोग यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं, मीटिंग थी, किस किस बात को लेकर मीटिंग थी, क्या मामला? मीटिंग हम लोग 19 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी रायपुर में, जिसमें सभी जिला अध्यक्षगण ने चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शिता से लोकतांत्रिक ढंग से कराने का निर्णय लिए, और इसमें हमने हमारे प्रांतीय सचिव शरद पटेल जी को चुनाव के संपादन करने के लिए हमने उन्हें अधिकृत किया, और हमने यह भी निवेदन किया अखिल भारतीय न्यायालयीन महासंघ से कि हम महासंघ के पदाधिकारियों से हम चुनाव अधिकारी नियुक्त कर उनसे चुनाव कराना चाहते हैं। तो वहाँ से हमारा विजय मिश्रा जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं आईजेक के, उन्होंने सहमति दी कि हम चुनाव अधिकारी बनेंगे। उनकी सहमति से चुनाव तारीख डिक्लेयर किया गया, और हमारे प्रांतीय सचिव को आईजेक के मिश्रा जी भी ने अधिकृत किया कि चूँकि हम छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर के हैं और अब पूरे चुनाव की जितनी भी संपादन कार्यवाही कागज वगैरह भेजना शरद पटेल जी करेंगे, हमारे प्रांतीय सचिव हैं छत्तीसगढ़ नई कर्मचारी संघ के, तो उन्हें उनके द्वारा पूरे जितने भी हैं मतदान पद्धति से कराने के लिए अधिसूचना जारी की गई संविधान के अनुरूप, और सभी जिला अध्यक्षों को अधिसूचना जारी किया गया, सभी माननीय डीजे साहब को अधिसूचना जारी किया गया, और समस्त प्रशासनिक अधिकारीगण को अधिसूचना जारी किया गया, और डेट डिक्लेयर किया गया कि 17/2/19 को छत्तीसगढ़ नई कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष का चुनाव प्रजातांत्रिक ढंग से निष्पक्ष और पारदर्शिता से सभी कर्मचारियों की उपस्थिति में, सभी जिला अध्यक्षगण की उपस्थिति में संपन्न कराया जाना है, जिससे तो रायगढ़ के हमारे प्रांतीय सचिव शरद पटेल जी और हमारे जिला अध्यक्ष राकेश देवांगन जी और यहाँ के पूरे न्यायालयीन कर्मचारी ने सहमति जाहिर की। उस आधार पर ये चुनाव आज संपन्न हुआ। चुनाव में 2 नामांकन आए, एक रमाशंकर मुरई जी का मीठापुर से आए और एक मेरे द्वारा नामांकन दाखिल किया गया प्रांताध्यक्ष के लिए। यहाँ जब आए तो अंबिकापुर के हमारे सम्माननीय जिलाध्यक्ष राकेश सोनी जी उनके अधिकार पत्र लेके आए मुरई जी का, उन्होंने प्रांताध्यक्ष के पद से अपना वापस ले लिया नामांकन। तो निर्विरोध सभी जिलाध्यक्षों ने जो पूरे समस्त जिला अध्यक्ष हमारे 19 जिला अध्यक्ष शाखा अध्यक्ष आए हैं, उनकी सहमति से हमारे चुनाव अधिकारियों के द्वारा चुनाव निर्विरोध घोषित किया गया और मुझे प्रांताध्यक्ष के रूप में नाम किया गया, मतदान पद्धति से संपन्न हुआ। सर आपका परिचय? मैं विजय कुमार मिश्रा, अखिल भारतीय न्यायिक कर्मचारी संघ का केंद्रीय जोन का जोनल सेक्रेटरी, सह बिहार राज्य न्यायालय कर्मचारी संघ का उपाध्यक्ष। यहाँ आज बताएंगे सर, यहाँ चुनाव आप लोगों के द्वारा करवाने वाला था, हाँ, किस टाइप का मतलब यहाँ पर रुझान था, और इस बीच का किसी प्रकार का कोई वाद विवाद यहाँ कोई बाधा नहीं हुआ। सर्वसम्मति से सिर्फ एक नाम रह गए थे यशव सिंह ठाकुर जी का, जिन्हें अध्यक्ष चुना गया, और इसके बाधा कोई नहीं। एक नाम और नॉमिनेट किया गया था जिन्होंने अपने नाम वापस ले लिया, सिर्फ एक ये बचे, इसीलिए इन्हें निर्विरोध चुना हो सकता। थैंक यू सर। सर आपका परिचय? मैं प्रमोद कुमार पाठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष
अखिल भारतीय सिंधालय कर्मचारी महासंघ। सर बताएंगे आज चुनाव था यहाँ पे, कैसा रुझान था, कैसे मतलब वोटरों में कैसा रुझान दिख रहा था, क्या मामला था? क्या है यहाँ पे सभी जिले छत्तीसगढ़ के कुल सभी जिले से यहाँ पे अध्यक्ष उपस्थित है यहाँ पे, और सभी के साथ समिति सहमति से जो है देश के साथ उनको जो प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है, और किसी प्रकार का वाद विवाद यहाँ पे नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव निपट गए। ढंग से थैंक यू सर। मैं गणेश कुमार बिहार जी व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के। सर बताएंगे आज चुनाव था, कैसा माहौल था यहाँ पे? ये आज चुनाव था उसमें माहौल कैसा था यहाँ पे चुनाव? शांतिपूर्ण माहौल में हमारे ठाकुर जी निर्विरोध प्रांतीय अध्यक्ष चुने गए, सर्वसम्मति से सर प्रांतीय अध्यक्ष चुना गए। थैंक यू। आपकी सहमति है ना? आपकी सहमति मैं क्या है यहाँ चुनाव करवाने के पहले है ना, जैसे ही मेरे को निर्वाचन अधिकारी की तरफ से निर्देश आया तो आप सब व्हाट्सएप पे पढ़े होंगे। हाँ हाँ आप बोल चुके हो है ना, मैं नहीं बोलूँगा। हाँ कि मैं किसी पद पर ध्यान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये लिखा हूँ कि मैं जिंदगी भर जब तक जी उठी और सिविल कोर्ट में हूँ तब तक कर्मचारी की सेवा करता रहूँगा, ये मेरी भावना है। मैं पद में रहूँ तब भी सेवा करूँगा, नहीं रहूँ तब भी सेवा करूँगा। अच्छा दूसरी जो मुख्य मुद्दा है वो मैं चाहता था कि क्या कल की तिथि में यदि आप सब सहमत हैं तो लातूर हाईकोर्ट सब चलेंगे माननीय जिला अध्यक्ष लगे छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई प्रमाण है क्या कि हिंदी शक्ति बनने के बाद भी हर संग्रह काम कर सकता है? तो है कोई दिक्कत नहीं है? नहीं अगर नहीं भी हो रहा नहीं, यदि उनका प्रमोशन होता है और वो फिर नहीं करना चाहेंगे तो फिर हम उस पर विचार ठीक बात है। एक कुर्सी और पड़ेगी आदरणीय पार्टी सचिव महोदय सर्वपल्ली जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। टाइम हो गया चार बजे हो गया सब का अब मैं बचाऊंगा। हंसोगे थोड़ा हंसोगे तब तो अच्छा लगेगा। हमारा चैनल हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पीड न्यूज़ एक ऐसा मंच है जो अन्याय एवं शोषण के खिलाफ जनता की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाता है और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करता है। इसी के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़।